मेंबर इधर आ रखा है। हेलो हेलो, हाँ, हमारे बगल वाले रूममेट का है ये, और यहाँ पे आ रखा था थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए। सो जैसा कि आज की जो जर्नी थी कसोल पहुँचने की, डेस्टिनेशन हमारी कसोल थी और हम कसोल पहुँच चुके हैं बेसिकली। और आज जैसे हम पहुँचे, मेरा तो फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया था वहाँ पर जब हम ट्रैकिंग कर रहे थे। तो ट्रैकिंग करते टाइम पे ही फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और मैं व्लॉग को एंड नहीं कर पाया। और अब भी कुछ टाइम पहले ही मैंने अपने व्लॉग को एपिसोड 2 को एंड किया था। अब वी विल शूट एपिसोड 3 टुमारो। सो मैं आपको दिखाऊंगा सुबह कसोल की मॉर्निंग सूर्य उदय। सो मिलते हैं सीधा वहीं पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज तारीख है 30 और सैटरडे हो रहा है, आज वीकेंड है यार। तो एनर्जी मतलब अभी नहीं है, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे तब आएगी थोड़ी एनर्जी यार। कल इतनी थकान हो गई थी, इतनी थकान पूछो मत। और अब आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ सुबह कसोल में मॉर्निंग यार। चलो आ जाओ देखते हैं मॉर्निंग। गाइस आप लोग को एक चीज दिखाऊंगी है। अरे आशीष देख के आते हैं भाई, जिसका बेसब्री से इंतजार था मेरे को। तो हमारे बगल वाले रूममेट ने हमें कुछ सजेस्ट किया था देखने के लिए। सो गाइस आप वो देखो, वो सेब है, सेब के पेड़ ये भी है। एक मिनट गाइस, कहीं कोई डांट ना दे हम लोग को, एक बार देख लेते। ओह माय गॉड, लाइफ पहली बार मैं देख रहा हूँ। आप लोग भी देखिए, चलो यहाँ से पहले कल्टी हो लेते हैं। हाँ एक मिनट। सो गाइस हम सब हो चुके हैं रेडी शेडी और निकलने वाले हैं अब आज की जर्नी के लिए। एपिसोड 3 है ये हमारा चलो हिमाचल सीरीज का। और कुछ इस तरीके का रूम था हमारा जहाँ पे हमने स्टे किया था, बढ़िया रूम था। और यहाँ से ऐसे पीछे का व्यू था और आपको जैसे कि हमने दिखाया था मॉर्निंग में कि हमारा फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके का था, प्यारा सा। सो देखते हैं आज क्या क्या करेंगे हम लोग, फिर बने रहिए बस हमारे साथ और जर्नी के मज़े लीजिए आप लोग भी। चलो तो चलो गाइस निकलने का टाइम आ चुका है। आशीष तेरे कहाँ हैं सारे बैग वैग ले लिए भाई? चलो सब कुछ जैसा था वैसे। चलो एक लास्ट टाइम, वाओ। तो जर्नी को कंटिन्यू रखते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए चलो हम चलते हैं अपने पार्किंग एरिया में। तो टाटा बाय बाय कसोल, हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं। कुछ ज़्यादा ही अच्छी वादियाँ हैं वहाँ, तो कुछ इस तरीके के रास्ते होने वाले हैं। आपको मैं पूरी जर्नी दिखाऊंगा अपने होटल स्टे से लेकर पार्किंग एरिया तक की। एपिसोड 3 चलो हिमाचल का है ये। चलो फिर ट्रैकिंग हमारी हो चुकी है स्टार्ट। इस बार मैंने डाली है शूज फुल ताकि कोई परेशानी या दिक्कत ना रहे ट्रैकिंग करते टाइम पे। और वो रही पार्वती रिवर। हाँ
रास्ता है यार ये, मस्त एकदम देवदार के पेड़ अगल बगल, बीच में से रास्ता गया हुआ है पहाड़ों को काटते हुए। पैदल ट्रैक करने के लिए बनाया गया है ये स्पेशली। तो हमने ऐसा होम स्टे चूज़ किया जो मतलब मार्केट से एकदम थोड़ा चोच गांव कहा जाता है जहाँ पे हमने स्टे किया था कसोल का। और यहाँ पे कुछ इस तरीके का रास्ता है वहाँ तक जाने के लिए। पहले वहाँ पे एक पुल था इस रिवर पे, लेकिन वो पुल बह गया क्योंकि थोड़े दिन पहले बादल फटा था जिसके कारण थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या बहुत ही ज़्यादा थोड़ी बहुत तबाही हो गई थी। और वहाँ से एक चट्टान भी गिरी थी सीधा रोड पर जिसकी वजह से पुल भी टूट गया था। तो देखो हम तो कुछ भी नहीं है मतलब गाइज यार, हमें तो इतनी कुछ स्ट्रगल नहीं होती, बट जो माउंटेन्स पे रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, जैसे कि आप देख सकते हो सामने से। मतलब देखो गाइज यार, मतलब हमें तो अपने सिर्फ बैग लाद के चल दिए हैं घूमने के लिए। सिर्फ एक यही वे है ट्रांसपोर्ट है वहाँ तक का जो सिर्फ पैदल ही कवर किया जा सकता है, और कैसे भी नहीं। तो ये दोनों आ रहे हैं पीछे पीछे, मैं सबसे आगे हूँ। बहुत केयरफुली पाँव रखने पड़ रहे होंगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे पाँव भी टकरा सकते हो और आप गिर सकते हो आगे की ओर। सो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा अपने हर एक स्टेप्स के साथ, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल। ये देखो गाइस, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। जब हम क्या नाम है आ रहे थे उस टाइम तो यार इतनी ज़्यादा थकान थी, इतनी ज़्यादा थकान, और हमने बहुत रेस्ट लिए थे, बहुत रेस्ट वहाँ तक जाने के लिए। ये देखो यार गाइस कितने ही ब्यूटीफुल है ये, बहुत ही ज़्यादा वाह। तो ये एक ट्रैकिंग वीडियो है और आप लोग शेयर करना ये जर्नी कि मतलब ये मैं पूरी वीडियो ही शूट करूँगा, स्टॉप नहीं कर रहा कहीं पे भी। वो देखो गाइस यहाँ पे लिखा है खतरा, क्योंकि यहाँ से देखो ऐसे पूरा एंजॉय करते हुए चलेंगे इस ट्रैक को हम। हाँ ये थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, थर्ड एपिसोड हमारा थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हम अपनी पूरी ट्रैकिंग को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है क्योंकि उनका यहीं पे घर है। और भाई साहब बहुत ही ज़्यादा लंबा रास्ता है, थकान हो गई एकदम, थोड़ा बैठ जाना चाहिए। हाँ यार मगर थकान ख़त्म हो जाती है जैसे इनको देखो। हाँ यार बस पहुँच गए, ये वाला रास्ता पता ही नहीं चला ना, आते वक्त लग रहा था कि हाँ भाई बहुत दूर है, लेकिन जाते वक्त नहीं पता चला एकदम, क्योंकि एकदम ब्रेकफास्ट खा पी के निकले थे मस्त रेस्ट वेस्ट करके होटल में। वाओ वाओ यार ये ऐसी खूबसूरती, कसोल हमेशा यादगार रहेगा अभी।
वो आपको दिख रहा होगा, इसी ब्रिज से हमें वाह यहाँ से खड़ी है एकदम, तो मेरे को यहाँ पे वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी गाइस। फाइनली ट्रैकिंग ख़त्म हुई, हालत आप देख ही सकते हो मेरी, बहुत ही टफ थी बट वी मेड इट। चलो अब सीधा गाड़ी की ओर जाते हैं। फाइनली हम पार्किंग एरिया में आ चुके हैं और अब सीधा गाड़ी में बैठ के रेस्ट लेंगे यार। वाह ट्रैकिंग बहुत मस्त थी। एपिसोड 3 के व्लॉग में जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और ये जर्नी सीधा एंड होगी, एपिसोड 3 का एंड होगा मे बी इन मनाली और शायद सीधा ही नॉन स्टॉप चले जाएं हम सिसु। अब ये पता नहीं है कहाँ पे स्टे करेंगे, बस चल दिए हैं अब होटल से, हम कसोल से निकल चुके हैं, अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कितने क्रिस्टल क्लियर माउंटेन्स हैं, मतलब एकदम ही क्लियर दिख रहा है सब कुछ यार, बहुत साफ मौसम है। इस टाइम पे बारिश बहुत होनी चाहिए लेकिन बट ऐसा कुछ नहीं है, एकदम क्लियर मौसम, धूप खिली हुई है पूरी मस्त। चलो फिर मिलते हैं गाइस। ये देखो यार गाइस आप, क्या ही नज़ारे हैं यार। कुल्लू पहुंचने वाले हैं शायद हम, वो उस साइड पे आपको कुल्लू दिख रहा है। हाँ पहुंच गए हैं अब हम कुल्लू, फिर उसके बाद मनाली पहुंचेंगे। इधर शिशु, ये शिशु इस बार हम कर लेंगे सिसु भी कवर। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these f***ing clowns. Hoover up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you... तो सफ़र कंटिन्यू है और नज़ारे तो क्या ही बोलें। वाओ लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, हम रिवर के ज़्यादा पास नहीं जा सकते हैं क्योंकि इस टाइम पे मॉनसून टाइम है ये, और माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मतलब एकदम से ही वाटर का भाव बहुत देर से छोड़ देते हैं पानी को, तो ये डर रहता है कि आप वहाँ उनके आसपास मतलब किनारों पे तो बिल्कुल ही। तो हम लोग अब मनाली क्रॉस करते हुए सोलांग वैली की तरफ आ चुके हैं, जैसे कि आपने हमारे सबसे फर्स्ट व्लॉग में देखा था जो मैंने अपनी फैमिली के साथ शूट किया था, उसमें हम लोग शिमला मनाली सोलांग वैली ये सब हमने था। और अब की बार हम फ्रेंड्स के साथ जो ट्रिप हो रही है ये सीधा सिसु की ओर ही हमारी डेस्टिनेशन है, तो वहीं जा रहे हैं हम, वहाँ पे भी घूमेंगे और आपको दिखाएंगे, अटल टनल भी दिखाएंगे आपको।
सो बने रहिए गाइस, मिलते हैं फिर।